तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी छल्ला प्याज पकौड़े की रेसिपी फ्रेंड्स। और ये कितना क्रंची है आप देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छल्ला प्याज पकौड़ा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 3 बड़ी साइज का प्याज लिया है और प्याज को हमने छील के इस प्रकार से दोनों तरफ से इसका डंठल हम निकाल देंगे काट के, और कुछ इस प्रकार का हम सिप देंगे जो कि इसके छल्ले आसानी से निकल जाएं। तो हमने एक प्याज को 3 भागों में काटा है, तो आप चाहे तो और बड़े प्याज हो तो 4 भागों में भी काट सकते हैं। तो ये देखिए हमने 3 भागों में इस प्रकार से काट लिया है और अब हम इसके छल्ले निकालेंगे। अब आराम से इसके छल्ले निकालेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा इसके छल्ले। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें सारे छल्ले को निकालना है। तो फाइनली हमने सारे प्याज को काट के इसी प्रकार से हम इसके सारे छल्ले को निकाल लेंगे। बहुत ही ये यूनिक और बहुत ही कम समय में बनने वाली ये रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए सारे प्याज के छल्ले को हमने इस प्रकार से काट करके सारे छल्ले को निकाल लिया, छोटे को अलग और बड़े को एक साथ कर लिया है। अब हम यहाँ पे 50 ग्राम मैदा लेंगे और उसका हाफ जो है चावल काटा हम लेंगे। तो आप इसकी जगह चाहे तो चावल काटे की जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और मैदे की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम एक बाउल लेंगे बड़े बड़े जैसा और उसमें मैदा और चावल के आटे को डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें आधी चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और ये हल्दी पाउडर आधी चम्मच से थोड़ी सी कम, आधी चम्मच खड़ा जीरा। तो उन सार सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो आप पानी हल्का हल्का करके डालते रहेंगे इसे में और इसे लगातार इस प्रकार से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमें इसका बैटर बिल्कुल गाढ़ा बनाना है, तो इसी प्रकार से आप हल्के हाथों से इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा इसका डो तैयार हो गया है और इस प्रकार से इसका टेक्सचर हमें रखना है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे फ्रेंड्स। तो हमने प्याज के छल्ले को निकाला था, उसे इसमें डालेंगे और अच्छे से, और यहाँ पे बारीकी से आप मिलाएंगे इसे। तो हमने कांटेदार चम्मच से इसे अच्छे से मिलाया है, तो यहाँ पे हल्के हाथों से आप मिलाएंगे ताकि प्याज आपका अच्छे से मिल सके और प्याज टूटने ना पाए। तो इसी प्रकार से हम सारे प्याज को हमने कोटिंग कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल के पहले से ही हीट कर लिया था। तब हम यहाँ पे इस प्रकार से बारी बारी से डालेंगे इसे। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये हम इसे डाल रहे हैं। तो ये देखिए आप इसे हल्के हाथों से फिर किसी चम्मच या कलछू की मदद से इसे पलट सकते हैं और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम आप रखेंगे। डालते समय थोड़ी सी तेज़ फ्लेम, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है। तो हम इन सारे को निकाल लेंगे। तो ये देखिए और ये कितना बढ़िया है इसका कलर भी आया और ये कितना बढ़िया फ्राई भी हुआ है। तो इसी प्रकार से हमने सारे प्याज के छल्ले पकौड़ों को इसी प्रकार से तला है। तो ये देखिए है ना बिल्कुल लाजवाब बन के तैयार। तो अब हम फ्रेंड्स एक 4 से 5 हमने हरी मिर्च लिया है, उसे बीच में चीरा लगा के हम इसे हल्का सा तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे ताकि इसके साथ छल्ला प्याज पकौड़े के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट बना देगा ये। तो ये देखिए
इतना बढ़िया हमारा हरी मिर्च भी फ्राई हुआ। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका, ये बिल्कुल डग रही है ना रिंग्स जैसी। आपको देखने से नहीं लग रहा होगा कि ये प्याज का छल्ला पकौड़ा है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ इसे गार्निश कर दिया है और ये कितना क्रंची है अब देखने से अंदाज़ा लग गया होगा आपको, और आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा गर्मा गर्म अनियन क्रिस्पी फ्राई पकौड़ा की रेसिपी बनके तैयार है, और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी क्रंची बनी है हमारी ये। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।